नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, अगर आपके फोन से कोई फाइल डिलीट हो गया है, यानी फोन के गैलरी से फोटो, वीडियो, ऑडियो, जो भी फाइल डिलीट हो गया है, उस रिलेटेड फाइल को घर बैठे अपने एंड्रॉयड फोन में बस 2 मिनट में रिकवर कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो किस तरीके से डिलीटेड फाइल को फोन के गैलरी में फिर से रिकवर कर सको, इसके लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए ज्यादा टाइम ना वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, फाइल रिकवरी। दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से ये सेंड कर देना। दोस्तों, फोन से जो भी फाइल डिलीट हो गया है, फोन के गैलरी से फोटो, वीडियो, ऑडियो और उस डिलीटेड फाइल को फिर से फोन के गैलरी में रिकवर करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ताकि सही एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सको। और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ये परमिशन अलाउ कर दीजिए। और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए फोटो रिकवरी, वीडियो रिकवरी, ऑडियो रिकवरी, डिलीटेड फोटो को रिकवर करने के लिए यहाँ पर फोटो रिकवरी के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये स्कैन होगा और आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। हो सकता है आपके फ़ोन में 1000, 2000, 3000 फोटो यहाँ पर रिकवर हो, और ये रिकवर के ऊपर ये टाइम डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर ये फाइल स्कैन हो रहा है और आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना होगा। और यहाँ पर देखिए फाइल स्कैन हो रहा है और यहाँ पर देखिए 2767 फोटो यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। और आपको यहाँ पर इस तरीके से फोल्डर देखने को मिलेगा और यहाँ से आप किसी भी फोटो को फिर से फ़ोन के गैलरी में रिकवर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कीजिए, फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो सारे फोटो आ जाएंगे। और वाओ, ये फोटो मैंने कब का डिलीट कर दिया था, और ये एप्लीकेशन वाकई में वर्क करता है, 100% वर्क करता है। और यहाँ से डिलीटेड फोटो को रिकवर करने के लिए गैलरी में फोटो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप सिंगल फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो यहाँ पर मल्टीपल फोटो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे देखिए ऑप्शन है रिस्टोर नाउ, रिस्टोर नाउ पे क्लिक कीजिए और ये फोटो डायरेक्ट आपके फ़ोन के गैलरी में रिकवर हो जाएगा। फिर यहाँ से बैक कीजिए और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप वीडियो अगर आप रिकवर करना चाहते हो, यहाँ पर आपको वीडियो रिकवर ऑप्शन भी मिलेगा। और यहाँ पर वीडियो रिकवर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये स्कैन होगा और आपको कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये फाइल स्कैन हो रहा है और यहाँ पर देखिए वीडियो भी रिकवर हो चुका है। और यहाँ से जो भी फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है, फोल्डर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप वीडियो प्ले करके भी देख सकते हो। और वाकई में ये एप्लीकेशन काम करता है, ये वीडियो मैंने कब का डिलीट कर दिया था। और यहाँ पर क्लिक करके रिस्टोर नाउ पे क्लिक करके ये वीडियो आप रिकवर भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ऑडियो रिकवर कर सकते हो, ऑडियो रिकवर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये स्कैन होगा और आपको कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑडियो रिकवर होता है या नहीं, और ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि यहाँ पर ये ऑडियो मुझे प्ले करना होगा। और यहाँ से ऑडियो भी रिकवर कर सकते हो, फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके रिस्टोर नाउ पे क्लिक करके ये आप रिकवर कर सकते हो फोन के गैलरी में, फाइल मैनेजर में। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप रिकवर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये फोटो रिकवर किया, मैं आपको गैलरी ओपन करके भी ये फोटो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए फाउंड 4 न्यू फोटो और ये फोटो जो मैंने अभी रिकवर किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, बड़ा पसंद वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।